हेलो लर्नर्स हाउ आर यू वेलकम ऑन एडुमकल डॉट कॉम मैं हूं आशीष कुमार कर वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आई टीज एंड मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स के लिए एंड वी आर डिस्कसिंग रिवीज समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पार्ट वन से पार्ट टेन तक आपको डिस्कस कर चुका हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाट डू मीन बाय द मोमेंट्स ऑफ बाई वेरियट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाट डू मीन बाय कंडीशनल वेरियंस एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशन वेरियंस ओके तो भाई सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि मोमेंट्स क्या होता है तो मोमेंट्स जैसे आपको पता है कि म्यू आर हम डिस्कस करते हैं म्यू आर डैस तो जनरली म्यू आर डैस इज ए मोमेंट मोमेंट आर एथ मोमेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स एंड अबाउट एनी पॉइंट एनी एनी पॉइंट ए एक्सेप्ट एक्स बार अबाउट मीन करते हैं तो म्यू आर होता है अगर हम अबाउट एनी अदर पॉइंट करते हैं तो म्यू आर डैश कहते हैं तो हम ले रहे हैं म्यू आर डैश म्यू आर डैश इज़ मोमेंट अबाउट हम मोमेंट अबाउट औरिजन हम डिस्कस कर रहे हैं तो मोमेंट अबाउट ओरिजन क्या होगा मोमेंट अबाउट ओरिजन होता है सिंपल अगर हम सिंपल सिंपल वेरिएट की बात करते हैं दैट इज़ माइनस इन से प्लस इन फाइन आइट एक्स की पावर आर एफ एक्स डी एक्स ठीक है तो ये जो है यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल की बात है पर जैसे ही हम बाईवेरियड रैंडम वेरिएबल में जाते हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट्स क्या होता है बाईवेरियड रैंडम वेरिएबल का तो बाईवेर रैंडम वेरिएबल के लिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जॉइंट पी है एफ एक्स वाई इज़ द जॉइंट पी तो जॉइंट पी अगर हमारे पास है सो वी कैन डिफाइन द मोमेंट म्यू आर एस डैस दिस इज द मोमेंट एंड वी कैन से दिस इज़ डबल इंटीग्रेशन एंड एक्स की पावर आर वाई की पावर एस एंड दिस इज एफ एक्स वाई एंड डी वाई डी एक्स ओके दिस इज द लिमिट एंड लिमिट यू कैन टेक लिमिट फ्रॉम माइनस इन से प्लस इन्फाइनाइट बिकॉज द जो भी रीजन गिवन होगा उसमें हम देख लेंगे ठीक है दिस इज कॉल्ड मोमेंट दिस इज़ कॉल्ड मूमेंट ऑफ बायवेरिएट रैंडम वेरिएबल ठीक है तो ये है मोमेंट अबाउट अबाउट ओरिजन अगर कोई पूछे मोमेंट अबाउट एक्स बार वाई बार नू आर एस वो होगा एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर एंड वाई माइनस वाई बार की पावर एस एंड एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स क्लियर अच्छा अगर हम ये चीज बात करें कि जो म्यू आर डैस है म्यू आर डैस आपको पता है ठीक है तो म्यू आर डैस में अगर हम देखें कि म्यू आर डैस वैसे है क्या एग्जैक्टली exactly? म्यू आर डैस कुछ नहीं है सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर एंड वाई माइनस वाई बार की पावर एस दिस इज दर आर एस मोमेंट है नर एस सेंट्रल मोमेंट लेंगे हम सेंट्रल मोवमेंट ना सेंट्रल मोमेंट लेंगे आर एस तो वो होगा म्यू आर एस और अगर हम लेंगे नॉन सेंट्रल मतलब अबाउट एनी पॉइंट अबाउट जीरो दैट इज म्यू आर एस डैस दिस इज क्लियर चलो तो ये तो हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा म्यू आर एस है सॉरी दिस इज म्यू आर एस दिस इज नॉट म्यू आर ठीक है बिकॉज दिस इज सेंट्रल मोमेंट, ओके तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें म्यू जीरो जीरो डैश तो क्या होगा म्यू जीरो जीरो डैश में अगर हम प्रीवियस स्लाइड को देखें तो यहाँ पर एक्स की पावर जीरो वाई की पावर जीरो तो सिंपल हमारे पास एफ़ एक्स वाई डी वाई डी 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 एक्स तो ये सिंपल वैल्यू आ जाएगी वन तो आपको ध्यान रखना है म्यू जीरो जीरो डैस इज़ वन इज़ इट क्लियर चलो फिर हम बात करें कि म्यू वन जीरो डैस क्या आएगा अगर म्यू वन जीरो डैस की बात करते हैं एक्स की पावर वन एंड वाई की पावर जीरो एक्स की पावर आर आ जाएगा एंड दिस इज़ नथिंग बट एक्स की पावर आर अगर हम निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ स्टूडेंट x की पावर आर सिंपल आप कह नहीं सकते x की पावर वन आ रहा है तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइन से इनफाइनाइट x की पावर आर y की पावर जीरो एफ एक्स वाई डीवाई डी एक्स तो ये सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ x नहीं आ गया ठीक है तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट हम अगर कह दें म्यू जीरो वन डैस तो आप क्या कहोगे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइट से प्लस इन्फाइनाइट एक्स की पावर जीरो एंड वाई की पावर वन एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स तो ये क्या आ गया इसे देखते हैं हम या वाई वाई तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ठीक है तो म्यू जीरो जीरो आपको पता लग गया म्यू जीरो जीरो क्या होगा दैट इज़ वन एंड म्यू वन जीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू वन जीरो डैस एक्सपेक्टेशन सॉरी म्यू जीरो वन डैस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और अगर हम बात करते हैं म्यू म्यू वन जीरो की तो म्यू वन जीरो अगर हम देखते हैं मतलब ये सेंट्रल है तो ये होगा माइनस इनफाइन से प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इन्फाइन से प्लस इनफाइनाइट फाइनाइट एक्स माइनस एक्स बार एंड दिस इज़ वाई की पावर जीरो एफ एक्स वाई डी डी एक्स डी एक्स डी वाई जो भी होगा तो आप इसका आंसर जब इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे द आंसर इज जीरो तो म्यू वन जीरो होगा जीरो एंड इन द सेम वे इफ़ यू टेक म्यू जीरो वन लेंगे तो वो भी जीरो आएगा यहाँ तक बात क्लियर हुई और अगर हम बात करें कि म्यू टू जीरो क्यों आएगा दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ वट इज दिस x- minus x एक्स बार का स्क्वायर दैट इज variance ऑफ x, एंड म्यू 0 2 लेंगे दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y- y वाई बार का स्क्वायर और दिस इज variance of ऑफ अच्छा y y एक क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया अगर म्यू 1 1 की बात करते हैं तो आता है covariance of ऑफ y. तो ये सारी टर्म्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये सारी टर्म्स कहाँ से आ रही, टर्म्स आ रही हैं ये सारी टर्म्स आ रही हैं बाइवेरिएट बाई डिस्ट्रीब्यूशन सो तो बाईवेरियट डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है ठीक है तो हम आई आई में बाईवेरिएट के क्वेश्चन भी आप लगा लीजिए कि आप आई आई के क्वेश्चन देखोगे तो टेन फिफ्टीन मार्क्स के बाईवेरिएट के भी क्वेश्चन आते हैं सारे पूरी स्टेटिटिक्स में मिला के ठीक है तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है अच्छा तो जैसे अगर हमने बात करी बाईवेरिएट के बाद हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हम ये कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल गिवन एक्स ठीक है जैसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इन द सेम मैटर सेम मैनर यू कैन से कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल वाई गिवन एक्स ठीक है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल वाई गिवन एक्स तो आप ये लगाइए कि जब भी आप एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो क्या निकालते थे आप एक्सपेक्टेशन अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आप कहते थे कि एक्सपेक्टेशन आप निकाल रहे हैं वाई की तो वाई से मल्टीप्लाई कीजिए जो रैंडम वेरिएबल गिवन है रैंडम वेरिएबल वाई गिवन है तो वाई गिवन एक्स है तो इसकी डेंसिटी फंक्शन एंड से डी जो वाई है वाई के तो रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये होता है अगर हम बात करें कि कंडीशनल Uh, this is uh, this is called the conditional PDF. to conditional PDF of Y given X and uh, Y given X and Y X. This is what is this? This is the joint PDF upon PDF of X, marginal PDF, PDF of X, marginal PDF of X. Yes or no? Chalo. तो अगर हम इसे इसमें पुट करते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज नंबर टू एंड इफ यू पुट द इन इक्वेशन वन तो एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं हम वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स दिस इज नथिंग बट मैं आपको थोड़ा डेरिवेशन बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो तो ये क्या था ये था एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स एक्स एंड दिस इज डी तो दिस इज नथिंग बट ये एक्स एक्स तो का नीचे आ जाएगा तो वन अपॉन एफ एक्स एक्स ले लेंगे एंड दिस इज इंटीग्रेशन माइनस ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंपल सा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस इन से प्लस इन माइनस इन से प्लस इन फाइनाइट एंड दिस इज वाई एंड एफ एक्स वाई क्या होता है माइनस इन से ये जो एफ एक्स वाई अपॉन दिस ये क्या है कोई बताएगा मुझे ये एफ़ एक्स वाई हमने यहाँ तक तो हमने निकाल दिया तो आपने डबल सिंगल इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू वाई तो ये फंक्शन एक्स में आ जाएगा ठीक है कुछ और हम कह सकते हैं इसमें नहीं और कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे हम ये कहेंगे कि इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो यही हो इज इट क्लियर यहां तक क्लियर हुआ कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालेंगे दिस इज कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स तो आप क्या निकालोगे पहले कंडीशनल पी डी एफ और फिर वाई की एक्सपेक्टेशन डन चलो ये conditional expectation. तो हो गया कंडीशनल एक्सपेक्टेशन तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आपको कंडीशनल पी डी एफ चाहिए होता है ठीक है ऐसी अगर हम बात करें कंडीशनल वेरियंस तो कंडीशनल वेरियंस क्या है कंडीशनल वेरिएंस हम कहेंगे व्हाट इज द वेरियंस ऑफा वेरियबल वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स सो दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ आप एक्सपेक्टेशन किसकी निकालते हैं वाई तो आप कहते हैं ना वाई माइनस वाई बार वाई माइनस वाई बार वाई बार मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई तो हम इसे यहां से लिख सकते हैं कि ये वाई माइनस वाई बार लिख के वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एक्स ठीक है गिवन एक्स इक्वल टू एक्स तो ये वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका स्क्वायर होता था ना जिसका स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू एक्स सो दिस इज द कंडीशनल वेरिएंस और कंडीशनल वेरिएंस आपको पता है कि दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर जैसा पहले था वैसा ही है बट बट खाली इसमें डिफरेंस आएगा कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर आना था वो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स इक्वल टू एक्स आएगा तो इसे निकालने के लिए आपको कंडीशनल पी डी एफ चाहिए वाई गिवन एक्स का ठीक है जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी एक थ्योरी है जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम ही कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स ठीक है फिर कहते हैं एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स और फिर उसकी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो क्या आता है दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मतलब आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स निकाला ठीक है और फिर एक्सपेक्टेशन निकाली वो फाइनली ये एक्सपेक्टेशन में जो डिफरेंसेस कुछ नहीं आता ये एक्सपेक्टेशन जो पुरानी वाली एक्सपेक्टेशन है ना इस वाई की इस वेरिएबल की यही आ जाती है आप किसी के रेस्पेक्ट में निकालें इसका आपको प्रूफ पता है इट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आप यही देख लो आप जो पीछे बात हम कर रहे थे हम पीछे जो बात कर रहे थे उसमें हमने क्या करा है जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई गिवन एक्स था तो दिस इज़ यू आर इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड यू यू विल गेट दिस यू विल गेट दिस इंटीग्रेट इंट्रगेशन अब मुझे एक चीज़ बताओ अगर आप इसका फर्दर एक्सपेक्टेशन निकालोगे फर्दर एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो क्या आएगा फर्दर इसकी एक्सपेक्टेशन निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू

आप देखो इसका आंसर था वन अपॉन एफ एक्स एक्स ठीक है इसका बता रहा हूँ मैं तो ये एक रैंडम वेरिएबल हो गया एक्स में ठीक है एंड दिस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाई ऑफ एफ एक्स वाई एंड दिस इज डी वाई तो यही तो था थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पर एंड दिस इज़ फाइनली द रैंडम वेरिएबल एक्स दिस इज दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली यस और नो बिकॉज इसका तो इंटरीग्रेट करेंगे तो ये वाई मतलब ये हट जाएगा वाई बिकॉज ये फाइनाइट इंट्री ये इंट्रीगल डेफिनेट इंट्रीगल है और ये एफ एक्स एक्स का फंक्शन बचेगा तो एफ एक्स एक्स का जो फंक्शन बचेगा एंड दिस तो अगर आप किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन निकालते हैं बिकॉज दिस इज ए रैंडम वेरिएबल तो इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी होगी आपको तो दिस इज़ नथिंग बट यू कैन से वन अपॉन एफ एक्स एक्स एंड माइनस इनफाइनाइट फाइन से प्लस इनफाइनाइट फाइनाइट वाई एफ एक्स वाई डी वाई एंड इसकी निकालने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाय द एक्स की एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे इस रैंडम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे दिस पी डी एफ एंड यू विल इंटीग्रेट एंड डी वाई डी वाई नहीं सॉरी डी एक्स सो फाइनली यू विल कैंसिल दिस वन दिस यस और नो कुछ ऐसा ही आएगा Yes or no? And finally, what you will get? You will get the theory ki, double integration minus infinite to plus infinite minus infinite to plus infinite y of fxy dx, dy dx. So, what is this? Can you recognize this one? What is this? This is nothing but the expectation of y. Yes or no? So, this is the uh, final theory that we expectation of y. गिवन uh, एक्स की फर्दर एक्सपेक्टेशन निकालने से क्या मिलता है ठीक है तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम को हम किस तरह से टैकल करें ऐसी अगर हम कंडीशनल वेरियंस की बात करें तो कंडीशनल वेरियंस हमारा होता है वेरियंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई तो एक्स गिवन वाई आपके पास वेरियंस ऑफ एक्स निकालेंगे वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स केज द फॉर्मूलाइंड ऑफ थ्योरी विल बी यूज इन द फ्यूचर क्वेश्चन ठीक है तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे डन तो अभी हमने जो डिस्कस करा है जो हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए आज बैठे थे दैट इज मूवमेंट ऑफ बाई वेरिएट प्रोपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाट डू मीन बायीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल स तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन कंडीशनल वेरियंस के बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको आ, मतलब ये आपके जो आई टी एग्जैम के लिए कितनी यूजफुल है और ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ना बाई वेरिएट के दीज आर द अमेजिंग कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़ रीड टू आइस और थ्राइस दीज कन्सेप्ट बिकॉज दीज आर दिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यू कैन से दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस ट रैंडम वेरिएबल डन तो भाई एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अगर कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है है ना कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यू क्या लेता है एक्सगल टू जीरो वन टू एंड सॉन तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है ना मान ले किसी ने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स देन एन का फंक्शन दे दिया तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दिस इज ए फॉर्मूला एंड दिस इज ए फॉर्मूला एंड नथिंग बट ए क्वेश्चन कि आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि वट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको प्रॉबर्टी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन दे दिया तो हमें प्रूफ करना है कि अगर एक्स रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट है और वैल्यू देता है जीरो वन टू थ्री फोर एप टू एन एंड दिस इज़ इन फाइनाइट अपू देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गल टू समीशन एन इज गल टू जोट प्रॉबर्टी एक्स ग्रेटर देन एन चलो भाई अगर कोई रैंडम वेरिएबल एक्स वैल्यू ले रहा है जीरो वन टू थ्री एंड सॉन् एंड हम कहते हैं प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन

एक्स इक्वल टू वन प्लस प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इक्ल टू टू प्लस एंड सोन ऐसी ये क्या होगा प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू टू से स्टार्ट होगा एंड प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इक्ल टू थ्री होगा एंड सोन ऐसी ये सीरीज बनेंगी हमारी ये कहेगाड वाला दिस इज प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इक्ल टू थ्री थ्री से स्टार्ट होगा प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इक्ल टू फोर एंड सोन देन एंड सोन यू कैन से कि जो एक्स गेट देन एन का जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं यहां से हमें एक्स इक्वल टू वन से मिला है देन यू कैन से कि ये मिल गया हमें आप देखें ध्यान से ये हमें क्या मिलेगा यस yes. ये एक्स इक्वल टू वन तो एक बार रिपीट हो रहा है टू दो बार यस और नो फिर थ्री आप देखेंगे एक दो तीन बार चार चार बार आप समझ रहे हैं पांच पांच बार छः छः बार तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज प्रॉबलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस टू टाइम्स ऑफ प्रोबलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ प्रोबलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एंड फोर ऑफ प्रॉबलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर प्लस फाइव ऑफ प्रोबलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एंड सॉन आप इस प्रॉब्लम को देखिए तो दिस इज अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं ना पी जीरो सॉरी पी वन प्लस ट्वाइस पी टू थ्री पी थ्री फोर पी फोर एंड सो दिस सीरीज अच्छा एक चीज बताइए इसे हमने क्वेश्चन नंबर वन रख लिया दिस इज द समीशन एन इज गल टू जीरो टू इन नाइट एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन ध्यान रखना एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एन नहीं है ठीक है चलो अगर हम देखें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होती है समीशन एक्स आई पी एक्स आई और आईस गल टू जीरो अगर आइस गल टू जीरो लोगे तो जीरो डालेंगे तो क्या आएगा जीरो डालेंगे जीरो आएगा फिर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दैट इज पी प्रॉबलिटी ऑफ एक्स वन पी वन प्लस टू आईस पी टू एंड थ्राइस पी थ्री एंड फोर पी फोर एंड सॉन् सो क्या आप इक्वेशन नंबर वन एन टू से ये कह सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज निसबिलिटी क्वेश्चन डन सो यू हैव टू नॉट द प्रॉब्लम ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कैसे हमने एक्सपेक्टेशन को जनरेट करा है ठीक है तो अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं एक क्वेश्चन हमारा ये है ये कहता है कि फॉर एनी रैंडम वेरिएबल एक्स वाई हमें ये प्रूफ करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की पावर वन बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू प्लस दिस देखो आप ये बस समझना कि दीज आर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीज आर द क्वेश्चन दीज आर द थ्योरी विच इज हाईली यूजफुल विच इज़ हाईली यूजफुल इन द क्वेश्चन फॉर आई टीज एन सो ये कोई थ्योरी ये थ्योरी है ये कोई ऐसा लेंदी क्वेश्चन नहीं है दीज आर द इजीएस्ट तो आप देखिए कि ये ऐसा होता है ये प्रूफ करना है चलो अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें बोथ साइड टेकिंग टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड दैट इज स्क्वायर ये आ गया एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर की पावर वन बाई टू का होल स्क्वायर सो राइट हैंड साइड यू कैन से दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर Plus expectation of y square plus 2 times of expectation of under root of expectation of x square and expectation of y square. And you can say less than equal to this is expectation of x plus y ka whole square. Ye hai? This is expectation of x square plus expectation of y square plus 2 times of expectation x y. Yes or no? then you can say this cancel this cancel you will directly get by this equation 2 times of 2 be cancel ho jayega. and directly expectation of x y is less than equal to expectation of x square k power 1 by 2 and expectation of y square k power 1 by 2 So, ye what is this what is this is this one a Cauchy Schwarz inequality. कोशिश वार्ज इक्वलिटी क्या कहती थी वो ये हाँ यस दिस इज अ कोशिशॉर्ज इन इक्वलिटी कोशिश वार्ज इन कहती है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इन टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर दिस इज कोशिश वार्ज इन इक्वलिटी सो दिस क्वेश्चन इज डन एनी डाउट सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस कैन बी आस्क इन दम क्वेश्चन चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है कि ये जॉइंट पी डी एफ के है दिस इज पी डी एफ हाउ टू डिफाइन दिस इज ए पी डी एफ नॉट पी एम एफ बिकॉज द डोमेन इज डोम ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूस दिस इज मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जो रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले रहा है वो कंटिन्यूस वैल्यू इंटरवल टाइप में ले रहा है ठीक है तो भाई स्टूडेंट आप मुझे एक चीज़ बताइए कोई पूछता है मार्जिनल पी क्या होगा तो मार्जिनल पी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल पी ऑफ वाई ठीक है फिर पूछ रहा है कंडीशनल पी बता दो एक्स और वाई का तो ये क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में तो ओके फिर हम सॉल्व करते हैं इसे तो मार्जिनल पीडीएफ क्या होता है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एफ एक्स एक्स वो आपको पता है कि वो सिंपल होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एंड दिस इज़ नथिंग बट जो एफ एक्स वाई है इसका अगर आप एक्स करोगे तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे देन यू कैन से कि दिस इज आप देखो उसकी लिमिट क्या है इसकी लिमिट है स्टूडेंट इसकी लिमिट है टू माइनस एक्स माइनस वाई एक्स की जीरो से वन वाई की जीरो से वन सो दिस इज जीरो से वन टू माइनस एक्स माइनस वाई एंड दिस इज यू आर टेकिंग डी वाई ओके डी वाई सो वाट इज़ द आंसर आंसर इज टू वाई माइनस एक्स का एक्स वाई एंड वाई का माइनस वाई स्क्वायर बाई Two and this is zero. Say one. So what you will get? You will get uh, uh, two minus y key value one. One means two minus x minus y one one by two. So this is you can say four minus two x minus one by two because zero is zero. When you put y is zero, this is zero. So this is this is the uh, marginal uh, marginal PDF. Yes or no? कुछ गलत है या सही है यस yes, स्टूडेंट एक बार वीडियो को पॉज करके पॉज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कि इसका इंटरगेट क्या होगा ठीक है ना तो यू कैन से यस दिस इज द आंसर सो मतलब ये भी कह सकते हो आप कि फोर माइनस टू एक्स माइनस वन

एंड द लिमिट इज जीरोन सो आंसर इज एक्स को आप रखोगे वन फिर जीरो दट इज टू माइनस वन बाई टू माइनस वाई है ना सो टू माइनस वन बाई टू यू यू कैन राइट डाउन दिस इज थ्री बाई टू माइनस वाई यस और नो तो ये आ गया कंडीशनल सॉरी ये हो गया मार्जनल पी डी एफ मार्जनल पी डी एफ आ गया अब आप कोई पूछता है कि कंडीशनल पी डी एफ क्या होगा अब कंडीशनल पी डी एफ के लिए हम क्या करेंगे कंडीशनल पीडीएफ है कंडीशनल पी डी एफ ऑफ एक्स गिवन वाई दिस इज एक्स गिवन वाई सो दिस इज नथिंग बट आप कहते हो ना दिस इज एफ एक्स वाई जॉइंट पी डी एफ ज्वाइंट पी डी एफ अपॉन इंडिविजुअल पी डी एफ तो जॉइंट पी डी एफ क्या है टू माइनस एक्स माइनस वाई इंडिविजुअल क्या है वाई का भाई वाई का देखो वाई का है थ्री बाई टू माइनस वाई सो थ्री बाई टू माइनस वाई या सोनो दिस इज कंडीशन पीडीएफ, दिस इज कंडीशन पीडीएफ और लिमिट तो आपको पता ही है कि एक्स वाई दोनों कहाँ पर हैं दोनों जीरो और वन के बीच में है ऐसी कंडीशन पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई लोगे आप और एक्स गिवन वाई दिस इज नथिंग बट द एफ एक्स वाई ज्वाइंट this is एफ x एक्स सो दिस इज टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री बाई टू माइनस एक्स आप इसे सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा नाउ दिस इज द आंसर एंड क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं आई में तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया यही क्वेश्चन था कुछ और था हमारा यस कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई एंड माजन पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है तो इस क्वेश्चन के बाद अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं विच इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज़ कि एफ एक्स वाई इज गिवन वन एट एक्स वाई एंड एक्स लाइज बिटवीन जीरो एक्स एंड वाई लाइज बिटवीन जीरो टू वन ओके तो मतलब ऐसा है कि एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन वाई लाइज बिटवीन जीरो टू वन बट एक्स कहाँ से कहाँ तक है एक्स जो वाई है वाई वाई की लिमिट जो है वाई की लिमिट है एक्स दैट इज़ जीरो टू वन एंड वाई इज़ लेस देन एक्स तो बेसिकली अगर हम इसका ग्राफ देखें तो अगर हम देखें थोड़ा सा तो वाई इज गल टू एक्स तो हमारा यह आ गया एक्स जीरो से वन है और वाई लेस देन एक्स है तो ये कुछ ऐसा है एक्स लेस देन वाई तो वाई ग्रेटर देन एक्स है तो ये वाला पोर्शन आएगा तो अगर हम वन जीरो ये वाला पोर्शन आएगा ना बट जो एक्स है वो जीरो से वन है तो आप देखिए ना कि एक्स की जो लिमिट है मैक्सिमम वाई इज ग्रेटर देन एक्स तो कुछ ऐसा है कि ये वन अगर हम देखते हैं तो यहां तक बाउंड्री है बस ये सुन लो दिस इज ओ दिस इज ए दिस इज बी ये ले लेते हैं हम दिस इज वन तो ये बाउंड्री ठीक है कोई बात नहीं हमें इस चीज से इस चीज को भी ध्यान रखना है और फिर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा मार्जिनल पी डी एफ ऑफ एक्स निकालना होगा मार्जिनल पी डी एफ ऑफ एक्स क्या होता है अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई दिस इज एफ एक्स वाई वाई की लिमिट लगाएंगे वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वाई की लिमिट है वाई इज लेस देन एक्स तो वाई एक्स से वन तक यस और नो वाई कहाँ से कहाँ तक आएगी एक्स से वन तक y को x को वन से लगा देते हैं y इज x टू वन तो आंसर इज आप कहते हो x टू वन दिस इज एट एक्स वाई एंड दिस इज डी वाई सो दिस इज एट एक्स इंटीग्रेशन एक्स से वन वाई डी वाई तो दिस इज एट एक्स वाई स्क्वायर बाई टू एंड दिस इज एक्स से वन सो एट एक्स बाई टू एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर 4. So we can say 4x 1 minus x square. और x कहां से कहां तक लाई करेगा x 0 से 1 तक जाएगा तो ये आ गया एफ ऐसे ही अगर हम एफ वाई -Y, y निकाल लें एफ y ऑफ वाई क्या होगा एफ वाई वाई होगा this is एफ एक्स वाई डी एक्स और x की लिमिट कहां से कहां तक है x की लिमिट है 0 से y. देखो आप x कहां तक कहां तक है एक्स है जीरो से वाई मिनिमम ज़ीरो एंड मैक्सिमम वाई सर, नो क्लियर एक्स ज़ीरो से वन भी ले सकते हो आप आपको एक्स तो जीरो से वन है सर आप जीरो से वन रखना चाहोगे वाई रखना चाहोगे आप मुझे एक चीज़ बताइए कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है कि सर यहाँ पर तो एक्स ज़ीरो से वन है आप कैसे कह रहे हैं अब एक्स ज़ीरो से वन वाई ज़ीरो से वन अगर तो एक बताओ अगर एक्स जीरो से वन वाई जीरो से वन होता तो ये एक रेक्टेंगल बनता पूरा पता है ये रेक्टेंगल बनता स्क्वायर बन जाता है एक्स जीरो पर यह कहता है एक्स लेस देन देक्स इज लेस देन वाई एक्स इज लेस देन वाई तो ये एरिया आएगा तो आप ये देखिए कि x की वैल्यू क्या है जीरो से एक्स इक्वल टू जीरो से वाई तक जाएगी मैक्सिमम और वाई कहां से कहां तक जा रहा है वाई एक्स से वन तक जा रहा है वाई एक्स से वन तक, तक जा रहा है तो ये रीजन है इस रीजन के हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है जीरो टू वाई लिख दोगे आप यहाँ पर सो दिस इज़ एट वाई इंटीग्रेशन जीरो टू वाई एक्स डी एक्स सो दिस इज एट वाई एंड दिस इज़ एक्स स्क्वायर बाई टू और दिस इज़ जीरो टू वाई तो आंसर टू से ये कैंसिल हो जाएगा फोर सो फोर वाई एंड दिस इज़ वाई स्क्वायर माइनस जीरो फोर वाई क्यूब तो ये आ गया जीरो से वाई वाई लेस देन वन वाई की वैल्यू जीरो से वन के बीच में ठीक है तो ये हमारा आ गया अब जो आपने निकालना है अब आप निकालिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अब प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स इज नथिंग बट आपको पता है क्या आंसर होता है वो कहता है कि आप है ना एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कह रहे हो तो वाई एंड एफ ऑफ वाई गिवन एक्स एंड दिस इज डी वाई तो लिमिट अभी हम लगाते हैं देखते हैं वाई गिवन एक्स क्या है एफ ऑफ वाई गिवन एक्स एफ ऑफ वाई गिवन एक्स एफ ऑफ वाई गिवन एक्स आपको पता होता है कि एफ ऑफ वाई गिवन एक्स एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स एक्स तो एफ एक्स एक्स क्या है एफ एक्स एक्स आगेगी फोर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर यस और नो सो फोर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर चलो जी तो एफ एक्स वाई की एक्स आ गया हमारा एफ एक्स कोमा वाई एंड एफ एक्स ऑफ एक्स तो स्टूडेंट अभी हम लिमिट लगा लेंगे वाई एफ एक्स वाई क्या है एट एक्स वाई और एफ एक्स एक्स क्या है अभी निकाला था हमने फोर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर so 4x1 minus x square and this is dy is it clear so we can say this is 4c uh, to cancel and x x cancel so what we will get we will get 2 upon 1 minus x square integration 1 upon 1 minus x square and this is dy sorry sorry दिस इज सम प्रॉब्लम नाउ वी कैन चेंज तो हमारे पास ये एक्स कैंसिल हो गया हम इंटीग्रेट विद एसपे वाई कर रहे हैं दिस इज टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वाई की लिमिट है जीरो टू वन क्या नहीं वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बताओ क्या आप वाई की लिमिट कुछ और लिखोगे मुझे बता देना वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आप बताइए मुझे मैंने कहा जीरो टू वन है ना सर फिर कहोगे सर आपने वाई की लिमिट जब जीरो टू वन लिखी थी तो यहाँ पर एक्स टू वन क्यों लिखी भाई वाई की लिमिट तो एक्स टू वन ही है यस और नो तो वाई यू कैन नॉट चेंज यू कैन से द आंसर इज यस और नो ठीक है सो प्लीज मेक श्योर कि आप करके रहें एक्स टू वन तो आंसर क्या आएगा नाउ यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम आपके पास क्या आएगा टू अपॉन वन माइनस वाई क्यूब बाई थ्री एक्स टू वन ठीक है और वन माइनस एक्स क्यूब ठीक है डन सो आंसर इज टू बाई थ्री एंड वन माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस तो ये आ गया ऐसे ही अगर कोई पूछता है, X. XY X X. ये बहुत अच्छा है और इसी पर आई आई टी जैम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है आप ये देखिए किसी ने कहा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई रैंडम इक्वल टू एक्स तो x equal to x तो एक वैल्यू दे रखी है तो आप क्या ऐसा कह सकते हो कि इस रैंडम वेरिएबल में x की वैल्यू x दे रखी है तो यहाँ पर x रखोगे तो x तो एक कॉन्स्टेंट नंबर दिया है तो आप इस x को बाहर ले लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x equal to x तो अभी आपने जो आंसर निकाला है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x x दिस इज द आंसर 2 3 एंड 2 3 एंड 1 x 3 1 x 2 दिस इज आवर आंसर यस और नो तो यू कैन से द आंसर इज नथिंग बट टू बाई थ्री एक्स वन माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्यूचर आई टीजामिनेशन ठीक है डन स्टूडेंट तो अभी हम आगे देखते हैं वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स तो वेरियंस अब पूछा है किसी ने वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है जी Variance of y given ऑफ equal गिवन एक्स इक्वल टू एक्स दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x given एक्स minus expectation ऑफ y गिवन एक्स इक्वल टू एक्स तो ये हो गया इंटीग्रल ये हो गया वन uh, ये हो गया टू एंड वी नो द टू टू का आंसर हमें पता ही है फर्स्ट का आंसर और निकाल लेते हैं फर्स्ट का आंसर कैसे निकालोगे बता देता हूँ मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स इक्वल टू एक्स इज नथिंग बट आप लिखोगे वाई स्क्वायर एंड एफ ओ वाई गिवन एक्स वाई एक्स वाई गिवन एक्स एंड डी वाई और वाई की वैल्यू वाई गी एक्स से वन तक आप इसका इंट्रीगेशन करना एंड यूल गेट द इंटीग्रेशन की ये आंसर क्या है वाई गिवन एक्स का आंसर क्या है वाई गिवन एक्स का आंसर है एट एक्स वाई अपॉन फोर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर फोर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर तो आंसर आएगा फोर एक्स से कट गया टू टाइम्स तो टू वाई ये वाई क्यूब आएगा तो मतलब टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू वन वाई क्यूब डी वाई नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यू कैन से टू बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स टू वन वाई क्यूब तो आ गया भाई वाई की पावर फोर अपॉन फोर एक्स टू वन द आंसर इज टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड वन बाई फोर एंड दिस इज वन माइनस वाई की पावर फोर दिस इज टू कैंसिल एंड दिस इज वन माइनस सॉरी एक्स वन माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन टू वन माइनस एक्सक्र तो यू कैन सेन सेम की दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर तो वन प्लस एक्स स्क्वाई टू तो ये आंसर आ गया तो आप इसमें पुट करके आंसर निकाल लेना नो यू कैन से हमारे पास ही प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है तो बताओ भाई और कोई आपको डाउट है आपको समझ में आ रहा है ना चीजें कि कैसे हम प्रॉब्लम को टैकल करेंगे तो ये जो चैप्टर मैंने आज आपको बताया है दिस इज हाईली यूजफुल आप इसे दो तीन बार रिवाइज़ करिए जॉइंट रैंडम वेरिएबल क्या होता है कंडीसल एक्सपेक्टेशन कंडीशन वेरिएंस क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी टॉपिक में फंसते हैं अगर आपको फर्दर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बताइए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एडुंगल डॉट कॉम हैवे नाइस डे